हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, जो कि ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे एलिमिनेट होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये फार्माकाइनेटिक्स का 5 पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका फार्माकाइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द नॉलेज ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग प्रोवाइड द बेसिक ऑफ फॉर एज विल एज सर्व टू डिवाइस रेशनल डोसेज डिजाइन एंड टू मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। जो नॉलेज होता है काइनेटिक्स एलिमिनेशन का, ड्रग कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक पे, कितना नीड होता है पेशेंट को, कितना हम डोजेज दे रहे हैं, कितना रिक्वायरमेंट है उसका, उस पर डिपेंड करता है। ये मेनली 3 फंडामेंटल फार्माकाइनेटिक्स पे कार्य वर्क करता है, बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। ड्रग एलिमिनेशन इज द सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। जो ड्रग एलिमिनेशन होता है वो टोटल होता है मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन और एक्सक्रीशन का। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस है क्या? द क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। मतलब क्लियरेंस वो ड्रग का है जो कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में प्रेजेंट है ड्रग का, वो हमारे बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव कितना होता है। तो क्लियरेंस बराबर इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय सी। जो सी है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम ये आपको फिगर दिखाए हैं जिसमें कि 10 μg/ml ड्रग हम लेते हैं अपने बॉडी में, जो ऑर्गन्स ड्रग एलिमिनेट हो रहा है किडनी और लीवर के थ्रू, और यहाँ पे 500 μg/min के हिसाब से ये क्लियरेंस हो रहा है। तो इसमें 10 μg/ml से प्लाज्मा से बाहर जा रहा है, तो इसका क्लियरेंस जो होता है वो 50 mL/min होगा। फॉर ड्रग हाउ वेल सैचुरेटेड एलिमिनेटिंग मैकेनिज्म एंड और हैंडल बाय। कैसे ड्रग सैचुरेट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो फर्स्ट मैकेनिज्म है फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, क्लियरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होता है, जो एलिमिनेशन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के, और क्लियरेंस जो होता है कॉन्स्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर लीनियर काइनेटिक्स, द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें जो द रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है इरिस्पेक्टिव होता है ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू, और क्लियरेंस जो होता है डिक्रीज और इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन में। और एग्जाम्पल इसका है इथाइल एल्कोहल। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ है क्या? द प्लाज्मा हाफ लाइफ of a drug is the time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value. जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ड्रग हम लोग कितने समय अपने बॉडी में लिए हैं, प्लाज्मा में इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसका हाफ लाइफ होता है। द प्लॉट हैज टू स्लोप। टू स्लोप होता है फेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट, सेकेंड होता है लेटर लेस डिस्क्लाइन बीटा फेज, इसमें कि ड्यू टू एलिमिनेशन। एक अल्फा फेज होता है, एक बीटा फेज होता है। तो हम लोग जो अल्फा फेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, और बीटा है वो एलिमिनेशन है। तो ये टाइम और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो स्लोप इज सिंपली कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। मैथमेटिकली एलिमिनेशन हाफ इज टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई के। एल एन टू जो इसका थियोरेटिकल वैल्यू होता है 0.6923 होता है। वेयर इज के इज द एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द ड्रग, जो कि के है वो एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट रेट है, और दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी विच इज रिमूव पर यूनिट एरिया। जो फ्रैक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है टोटल अमाउंट ड्रग हमारी बॉडी से कितना रिमूव हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो के इज इक्वल टू सी एल बाई वी। जो के है वो फ्रैक्शन है ड्रग्स का। तो हाफ लाइफ ऑफ सम रिस्पेक्टिव ड्रग्स, एस्प्रिन का 4 आवर होता है टी हाफ, पेनिसिलिन का जी का 30 मिनट होता है, डाइऑक्सीक्लिन का 20 आवर होता है, डाइऑक्सिन का 40 आवर होता है, एंड मेट्रोनिडाजोल का 8 आवर होता है, फिनोबार्बिटूरेट का 90 आवर होता है। तो इसमें जो हाफ लाइफ कैसे मतलब रिप्रेजेंट हुए हैं सारे ड्रग्स के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन ए ड्रग इज रिपीटेड एट रिलेटिवली शॉर्ट इंटरवल्स, इट एक्युमुलेटेड इन द बॉडी अंटिल एलिमिनेशन, बैलेंस इनपुट एंड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CPSS, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज अटेंड। तो जो ड्रग होता है रिपीटेड, मतलब हम लोग बार बार उसी ड्रग को ले रहे हैं और हमारे प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और जो एलिमिनेट बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है, मतलब जो हम लोग का एलिमिनेशन होता है बॉडी से वो ज़्यादा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता है। तो CPSS का वैल्यू जो कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, वो होता है डोज रेट बाई क्लियरेंस, कितना हम लोग डोज ले रहे हैं वो, और कितना रेट है और क्लियरेंस पर निर्भर करता है CPSS। तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनली फ्रैक्शन एफ ऑफ द
डोज रीचेज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन द एक्टिव फॉर्म इन सच केसेज। जो हम लोग ओरल के थ्रू ड्रग्स लेते हैं उसका जो फ्रैक्शन होता है डोज, कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये एक्टिव फॉर्म में ये पास होता है ड्रग्स हमारी बॉडी में, तो उसका फॉर्मूला होता है डोज रेट इज़ टू सी पी एस एस इंटू क्लियरेंस बाई एफ। मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स, इलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ओवर द थेरापेटिक रेंज। जो मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स है वो इलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स पे निर्भर करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है इसमें थेरेपिटिक रेंज में। इंक्रीज इन देयर डोज बियॉन्ड सेचुरेशन लेवल कॉजेज एंड इंक्रीज इन सी पी एस एस विच इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द चेंज इन डोज रेट। जो इंक्रीज हम लोग डोज करते हैं, अगर हम किसी ड्रग्स का डोज बहुत इंक्रीज कर देते हैं उसका सेचुरेशन लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है और सी पी एस एस लेवल भी हाई हो जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेट डोज रेट के। तो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू वी मैक्स सी बाई के एम प्लस सी। तो सी इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो सी है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। वी मैक्स इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, वी मैक्स कितना मैक्सिमम ड्रग हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो सकता है, वी मैक्स वो है। के एम इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एट विच एलिमिनेशन रेट इज हाफ मैक्सिमम। मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से वो हाफ लाइफ है कि कितना कितनी रेट से वो मैक्सिमम बाहर यूरिन के थ्रू जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ये के एम की वैल्यू है। तो ये हम फिगर दिखाया गया है, रिलेशनशिप है डोज रेट और एवरेज स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ऑफ ड्रग्स एलिमिनेटेड बाई फर्स्ट ऑर्डर एंड मिकेल मेंटेन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो मेंटेन मेंटल कॉलेज का ये ग्राफ है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में है। यहाँ पे एवरेज सी पी एस एस है, जो डोज रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर में जो एकदम स्ट्रेट लाइन बना है, पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले तो ये लगभग स्ट्रेट जा रहा है, फिर कर्व हो जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं प्लाटू प्रिंसिपल। वेन ए कॉन्स्टेंट डोज ऑफ ए ड्रग इज रिपीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फोर हाफ इट वुड अचीव हायर पीक जेड कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज सम रेमेनेंट ऑफ द प्रीवियस डोज विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी दिस कंटिन्यूअस विद इन एवरी डोज अंटिल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज रेट ऑफ एलिमिनेशन। वो फोर टी हाफ मतलब चार गुना टी हाफ लाइफ में वो अचीव हायर करता है, पीक पे कॉन्सेंट्रेशन उसका हायर होता है और सम रिमेनेंट ऑफ प्रीवियस डोज, जो हम लोग पहले दिए होते हैं डोज उसका कुछ रिमेनेंट बचा होता है बॉडी में तो वो कंटिन्यू होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है एलिमिनेशन रेट को। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है आपको प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में करो, जो कि हम लोग पहले जितना कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं ड्रग का तो यहाँ पे सबसे कम हुआ है, फिर उसके बाद बढ़ा है, क्योंकि मतलब जो हमारी बॉडी में बच रहा है पहले जो ड्रग दिए थे उसका जो रिमिनेंट बच रहा है वो डायरेक्ट जुड़ता चला जा रहा है। तो मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे सेम है लास्ट में। टाउ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन ऑन रिपीटेड ओरल डोजिंग नोट द एरिया ऑफ द टू शेडेड पोर्शन इज इक्वल। जो ऊपर दो दिखाया गया है मैक्सिमम और मिनिमम वो दोनों डोज सेम है। टारगेट लेवल स्ट्रेटजी फॉर ड्रग्स हुज इफेक्ट आर नॉट ईजिली क्वालिफिकेबल एंड सेफ्टी मार्जिन इज नॉट बिग, एग्जाम्पल एंटी कन्वेंसलेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट एंड लिथियम सम एंटी माइक्रोब्स इटीसी। जो टारगेट लेवल हम लोग का कितना टारगेट लेवल है कि ड्रग्स इतना बॉडी में देंगे तो इतना एलिमिनेट हो जाएगा, इजिली क्वान्टिफाइबल हो जाएगा और सेफ्टी होता है, मार्जिन होता है। लोडिंग डोज दिस इज अ सिंगल और फ्यू क्विकली रिपीटेड डोजेज गिवेन इन द बिगिनिंग टू अटेन टारगेट कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली। तो हम लोग एक सिंगल और कुछ जल्दी रिपीटेड डोज देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग कुछ रिपीट डोज दे देते हैं बॉडी ड्रग्स का कि वो कितना अटेंड करता है, कितना टारगेट हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में रहना चाहिए रैपिडली, कितना जल्दी कॉन्सेंट्रेटेड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है ड्रग्स का। तो उसके लिए हम लोग लोडिंग डोज इक्वल टू टारगेट सी पी इंटू वी बाई एफ। दस लोडिंग डोज इज गवर्नड बाई ओनली बाई वी एंड नॉट बाई सी एल आर टी हाफ। जो लोडिंग डोज होता है वो ओनली डिपेंड करता है वी पे और ये क्लियरेंस और हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करता है। मेंटेन डोज कितना हम लोग देंगे कि मेंटेन होता है डोज, दिस डोज इज वन दैट इज टू बी रिपीटेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ टारगेट सी पी एस एस सो एज टू मेंटेन द सेम बाई बैलेंसिंग एलिमिनेशन। तो जो हम लोग डोज दे रहे हैं वो रिपीट कितना स्पेसिफिक इंटरवल्स पे रिपीट कर रहे हैं और कितना हमारा अटेन है, कितना टारगेट है कि सी पी एस एस एक मेंटेन होता है, बैलेंस होता है हमारी बॉडी में और एलिमिनेट हो जाएगा। दी मेंटेनेंस डोज रेट इज गवर्न बाय सी एल आर टी हाफ ऑफ द ड्रग। ये जो मेंटेनेंस डोज होता है वो निर्भर करता है क्लियरेंस पे और टी हाफ पे ड्रग के निर्भर करता है। प्रोलोंगेशन ऑफ ड्रग एक्शन कितना टाइम तक हमारे बॉडी में ड्रग्स एक्ट करता है और फिर उसके बाद एलिमिनेट होता है। इट इज़ समटाइम्स एडवांटेज टू मॉडिफाई ए ड्रग इन सच वे दैट इट एक्ट ऑफ ए लॉन्गर पीरियड। कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम लोग बॉडी में देते हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए वर्क करते हैं। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिड्यूस मोर कन्वेंसेंस।
जो फ्रीक्वेंसी होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कम होता है, तो मोर कॉन्वीनियंट होता है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा वर्क करता है टाइम तक। इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंस, ए सिंगल मॉर्निंग डोज इज लेस लाइकली टू बी फॉरगटन ओमिटेड देन 6 और 8 आवर जिजमेन। जो पेशेंट होते हैं, इम्प्रूव्ड पेशेंट होते हैं, कॉम्प्लियंस होते हैं, मॉर्निंग डोज में हम लोग लेस ड्रग्स देते हैं, वो भूल जाते हैं, तो उनको हम लोग 6 to 8 आवर के बीच में जो हम लोग ड्रग्स को देते हैं। लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आर अवॉइडेड, साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू हाई पीक प्लाज्मा लेवल जस्ट आफ्टर ए डोज वुड बी मिनिमाइज्ड। जो लार्ज फ्लक्चुएशन होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग्स का, उससे हम लोग अवॉइड करते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, हाई पीक प्लाज्मा लेवल हो जाता है, और एक जस्ट आफ्टर ए डोज वुड बी मिनिमाइज्ड, और एक डोज देने के बाद वो उसका मिनिमाइज हो जाता है। एग्जाम्पल निफेडिपिन बेटर राउंड द क्लॉक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इटीसी। जो हम लोग निफेडिपिन देते हैं ये बहुत ही अच्छा होता है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, एक हाई लेवल होता है, लेकिन जब ये हम लोग ड्रग्स देंगे बॉडी में तो जो शुगर लेवल हमारे ब्लड में है वो कम हो जाएगा। ड्रग्स इफेक्ट कुड बी मेंटेन ओवर नाइट विदाउट डिस्टर्बिंग स्लीप। ड्रग्स कुछ हमारे ऐसे इफेक्ट करते हैं हमारे बिना स्लीप को डिस्टर्ब किए ही वो मेंटेन किए रहते हैं हमारे बॉडी में, जैसे एंटासिथमेटिक्स एंड एंटी कन्वर्सलेंट इटीसी। बाई प्रोलंगिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग कैसे वर्क करता है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक लिए कैसे एब्जॉर्ब्स होता है हमारे में, तो फर्स्ट है ओरल सस्टेंड रिलीज टेबल्स स्पेंसूल कैप्सूल ईटीसी। ड्रग्स पार्टिकल्स आर कोटेड विद रेजिंस प्लास्टिक मटेरियल और अदर सब्सटेंस विच टेम्पररली डिस्पर्स रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रीडियंट इन द जीआईटी। जो आजकल के कैप्सूल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो रेजिन कोटेड होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल बने होते हैं कि, और ये जब हमारे जीआईटी में जाते हैं तो इनका जो कवर होता है सेमी परमेबल की तरह काम करता है, तो ये धीरे धीरे सिक्रेट होते हैं और हमें लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक। द कंट्रोल रिलीज टेबलेट कैप्सूल प्रिपरेशन यूटिलाइजेज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेस फॉर्म। जो कंट्रोल इनका रिलीज टैबलेट कैप्सूल का होता है, हम लोग उसके हिसाब से इसका जो कोटिंग होता है रिलीज का, उसी के हिसाब से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, और कंट्रोल करता है ये रिलीज ऑफ ड्रग का डोजेस फॉर्म में। पेरेंटल दिस सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग इन सॉल्युबल फॉर्म बेंजाथिन पेनिसिलिन एंड लेंथा इंसुलिन और एज ऑयली सॉल्यूशन डिपॉट प्रोगेस्टिन पीरियड इम्प्लांटेशन सिलास्टिक एंड बायोडिग्रेशन इम्प्लांट्स कैन प्रोवाइड फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन ओवर ए कपल ऑफ ए डे टू सेवरल मंथ्स और इवन ईयर। कुछ सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जो हम लोग इनसॉल्यूबल होते हैं बेंजाथिन और पेनिसिलिन और लेंथा इंसुलिन में, तो जो ऑयली सोल्यूशन होता है जो हम लोग डिपॉट या प्रोजेस्टिन जो हम लोग स्किन के नीचे लगाते हैं पीरियड इम्प्लांटेशन करते हैं, तो ये क्या होता है धीरे धीरे ड्रग्स को हमारे बॉडी में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, ये कुछ साल के लिए होता है, कुछ मंथ के लिए या फिर कुछ ईयर के लिए। ये होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल हम लोग कैसे हम लोग स्किन के नीचे देते हैं ड्रग्स को, द ड्रग इम्प्रिगनेटेड इन एडहेसिव पैचेज स्ट्रिप्स आर एज ऑइनमेंट अप्लाइड ऑन स्किन इज बिकमिंग पॉपुलर इज ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट। जो ड्रग्स होते हैं वो इम्प्रिगनेटेड होते हैं एडहेसिव पैचेज में, स्ट्रिप्स में, ऑइनमेंट में हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रांसडर्मल में स्किन के ऊपर, इसमें पॉपुलर जो है वो ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट है। बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज करता है, तो कैसे प्रोलॉन्ग्स होते हैं ड्रग्स, कैसे ज़्यादा टाइम तक ड्रग्स हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे ड्रग कॉन्जेट्स हैव बीन रिप्रिपेयर्ड विच आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड आर स्लोली रिलीज्ड इन द फ्री एक्टिव फॉर्म एग्जाम्पल सल्फोडाडॉक्सिन। जो ड्रग होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं, हाईली बाउंडेड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से और स्लोली रिलीज होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, मतलब कोई भी ड्रग्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सीक्रेट हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी पे बहुत लंबे समय तक ये ड्रग्स होते हैं, एग्जाम्पल सल्फोडाडॉक्सिन। सेकेंड बाई रिटार्डिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्मॉल केमिकल मॉडिफिकेशन कैन मार्केडली अफेक्टेड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विदाउट अफेक्टिंग द बायोलॉजिकल एक्शन। जो स्मॉल केमिकल मॉडिफिकेशन होता है वो बिना हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट किए ही बायोलॉजिकल एक्शन करते हैं, एग्जाम्पल एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्रुप टू स्टेरॉयडल मैक्स इट्स लॉन्गर एक्टिंग एंड सुटेबल फॉर यूज एज कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एग्जाम्पल में एडिशन इथाइल ग्रुप हैं जो स्टेरॉयडल होते हैं बनते हैं, लॉन्गर एक्टिंग करते हैं, सुटेबल होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। इनहिबिशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम बाई वन ड्रग कैन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ड्रग को और प्रोलॉन्ग्स करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं वो ड्रग्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में एलोप्रिनॉल इनहिबिट्स डिग्रेडेशन ऑफ 6-मर्काप्यूरिन। जो एलोप्रिनॉल होता है वो इनहिबिट करता है डिग्रेडेशन ऑफ 6-मर्काप्यूरिन को। तीसरा हम लोग देखते हैं बाई रिटार्डिंग रीनल एक्सक्रीशन, द ट्यूबलर सिक्रीशन ऑफ ड्रग्स बींग एन एक्टिव प्रोसेस कैन बी सप्रेस्ड बाई ए कॉम्पैक्टिंग सब्सटेंस। जो ट्यूबलर सिक्रेशन होता है वो ड्रग वो एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें सप्रेस करता है और सब्सटेंस को बहुत समय के लिए
बॉडी में रहने ड्रग्स को रहने देता है जो कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोबेना एसिड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। जो प्रोबेना एसिड होता है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।